नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने क्लाउड किचन के लिए एक अच्छा इम्प्लॉय सर्च करोगे और किस प्रकार से आप उसको अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए, अपनी कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को, अपनी कंपनी को एम्पावर करने के लिए यूज़ करोगे। अगर मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी में टायर भी हैं, पर अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। धक्का मार के आप चला सकते हैं, पर अगर आपको चलानी है, दूर तक ले जाना है, तो वो चल नहीं पाएगी। तो वैसे ही आपके जो इम्प्लॉयज़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके फूड बिजनेस के लिए। हम मानते हैं कि लगभग 60 से 70% कोई भी एक रेस्टोरेंट, टेक अवे, क्लाउड किचन बंद हो जाता है पहले ही साल में। उसका मेन रीज़न यही है, वहाँ के इम्प्लॉयज़, या तो इम्प्लॉयज़ उनको छोड़ के भाग जाते हैं, या उनके ऑपरेशंस इस तरीके से हो जाते हैं कि मालिक ही बंद कर देता है। पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं इम्प्लॉयज़ के बारे में। आप किस प्रकार से आप इम्प्लॉय को सर्च करेंगे, उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, उनकी टेक केयर करेंगे और उनको इम्पावर करेंगे, ताकि आप भी इम्पावर हो और आपकी कंपनी का प्रॉफिट्स ज़्यादा आए और आप भी अपने बिजनेस को आगे लेके जाओ। अगर आप मानते हैं कि सिर्फ सैलरी देके या ज़्यादा सैलरी देके आप अपने इम्प्लॉयज़ को अपने साथ रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा, मेरी स्टोरी है। अगर अगर बात करें आज से 20-25 साल पहले, जिस समय मेरे डैडी जॉब करते थे, तो उनका मेन मकसद यही होता था कि भाई मुझे मंथली सैलरी मिल जाए। अगर मंथली सैलरी नहीं मिलेगी तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरे घर का किराया कैसे जाएगा, और हमारा बजट विद इन 1 और 2 मंथ में हिल जाएगा। पर अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। इस समय लोग इतनी केयर नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो पीछे वाली पीढ़ी थी, उन्होंने उनके लिए उतना इकट्ठा करके रख दिया है। तो अगर आप सोच रहे थे कि सिर्फ आप किसी को ज़्यादा सैलरी देके अपने पास रोक लेंगे, तो वो भी ठीक नहीं है, या एक तरीके से आप गलत सोच रहे हैं। अब इसमें मैं टोटल 4 फेसेस के बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एक अच्छा एम्प्लॉयज़ अपने लिए ढूंढेंगे। सबसे पहले फेस होता है हमारा सर्च का, कि हमें ढूंढना है कि एम्प्लॉय हमें कहाँ मिलेगा हमारे लिए जो अच्छा काम करेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप लिंक्डइन पे डाल सकते हैं। लिंक्डइन पर आप देखेंगे कि जो नॉर्मल शेफ लोग हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप कोई मैनेजर ढूंढ रहे हैं, कोई एक अच्छा शेफ ढूंढ रहे हैं, तो आप लिंक्डइन पे डाल सकते हैं। उसके बाद फेसबुक है, इवन आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल सकते हैं। कई सारे फूड ग्रुप्स चलते हैं, वहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप मॉन्स्टर पे हो गया, इंडीड पे हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप HR डिपार्टमेंट से हैं, तो आपको मालूम होगा अगर किसी HR को शेफ़ लोगों की ज़रूरत होती है, तो वो किसी भी रेस्टोरेंट के गेट पे जाके खड़ा हो जाता है छुट्टी के टाइम। वहाँ से भी आपको अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। इवन आपको लगता है कि किसी रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, तो आप उनके जाके रेस्टोरेंट में खाना खाइए, वहाँ के शेफ़ को बुला के अप्रिशिएट कीजिए, वहाँ से भी आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ जो कॉमन चीज़ें लोग करते हैं। उसके बाद जब आपके पास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो आप में से उनको ढूंढना पड़ता है अपने अपने आप को, कि आपको किस प्रकार का इसमें से एम्प्लॉय चाहिए जो कि आपकी सारी क्राइटेरियाज़ को मैच कर रहा हो। तो वहाँ से मान लीजिए आपके पास 10 रिज्यूम आए थे, आपने से वहाँ में उनमें से 2 सेलेक्ट कर लिए। अब उन 2 को आपको अपने इंटरव्यू के लिए बुलाना है, उनमें से जितने भी आपको चाहिए सेलेक्ट कर लेना है। और जो नेक्स्ट इसमें हमारी जो आता है, वो आता है हमारी ट्रेनिंग का। हमें ट्रेन करना है उनको उस लेवल तक, ये नहीं कि उनको सीधा ही आप जॉब पे भेज दीजिए। आपने उन्हें रिक्रूट कर लिया है, पर आपको ट्रेनिंग देनी है उनको, जो भी वो काम करना चाहते हैं। अगर वो मैनेजर है, तो आपको उनको सारी मैनेजर्स की बातें बतानी पड़ेंगी, उनको जॉब डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें देनी होगी। शेफ़ है, तो शेफ़ को बताना होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। या फिर कोई और जूनियर स्टाफ है, मान लीजिए कोई पोर्ट वॉश में काम करने वाला है, कोई राइडर है, कोई स्टोर कीपर है, तो ये सारी चीज़ें आपको उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उनको जॉब के टाइम ही, जब आप उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, तभी उनके साथ डिस्कस करनी है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेज, जिसमें कि हम सर्च करके एक एम्प्लॉय को ट्रेन कर देते हैं। अभी तक वो ड्यूटी पे नहीं पहुँचा है, पर यहाँ पे दूसरा है, इसमें है हमारा अप्रिशिएट। हम किसी के काम की सराहना करें। जैसे कि मैंने आपको बोला, सिर्फ सैलरी के लिए लोग आजकल नहीं रुकते हैं, लोगों को एप्रिसिएशन चाहिए, लोगों को एक अपनी पहचान चाहिए। हर कोई चाहता है कि मुझे कोई पहचाने, मैं जाना जाऊं। चाहे आपकी एक छोटी सी कंपनी है, चाहे आपका एक छोटा सा क्लाउड किचन है जिसमें सिर्फ 3 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं, पर आप वहाँ भी अगर उनकी उनकी उनको एक पहचान देने की कोशिश करते हो, तो लोग आपके साथ रुकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको उनको बताना है कि आपका विज़न क्या है, आप
आपने कंपनी क्यों खोली है, आपकी स्टोरी क्या है, आपको एक विजन क्रिएट करके देना है कि भैया मैं एक साल में चाहता हूँ मेरा एक दूसरा आउटलेट हो जाए, मैं मेरा जो मानना है कि मेरा इतनी इतना ही परसेंटेज हमारा फूड कॉस्ट में जाना चाहिए, मेरा मेरा जो विजन है कस्टमर को खुश करना है, कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो आपका विजन कुछ और हो सकता है, आपकी कंपनी का विजन को आपको मैच करवाना है अपने एम्प्लॉयज के साथ। आपको ये बताना होगा उनको कि भैया मैं ये चाहता हूँ और मेरा विजन ये है और कस्टमर को मैं खुश रखना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने एम्प्लॉय को बतानी ही होगी, जब तक आप नहीं बताओगे वो कभी नहीं समझेगा। उसके बाद है लॉयल्टी। लॉयल्टी से मेरा मतलब है कि आप किस प्रकार से आप लॉयल बना सकते हो अपने एम्प्लॉय को आपकी कंपनी के प्रति, ताकि वो चोरियां ना करे, वो वक्त पे आए, वो अच्छे से काम करे, वो आपके गेस्ट को खुश रख पाए। तो आपको ये सारी चीज़ें उनको बतानी है कि, या आप इनको एज ए ट्रेनिंग का पार्ट भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें डिस्कस नहीं करोगे, क्योंकि ये डिस्कस कोई नहीं करता है, क्योंकि और जब हम डिस्कस नहीं करते हैं तो अभी बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं, चोरियाँ होती हैं, आपके एम्प्लॉयज़ जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं खा रहे हैं, इवन जो आपके महंगे आइटम होते हैं वही खा रहे हैं। तो वो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही, जब आप इंटरव्यू वाला पार्ट हमारा चल रहा है, सर्चिंग वाला पार्ट चल रहा है, वहीं पे आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, ताकि वो लॉयल हो जाए आपके प्रति। और फिर है इसमें हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपको अपने एम्प्लॉय को सिखाना है, आपको एक रोल मॉडल सेट करना है। इवन आप उनको दिखा सकते हो कि मैं एक दिन में कितना काम करता हूँ, और आपको भी इसी प्रकार से काम करना चाहिए। तो ये सारी बात होगी हमारी अप्रिशिएट की। और साथ साथ आप यहाँ पे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम चला सकते हैं, आप उनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, कुछ भी आपको समय मिले उनको, आपको उनको एक तरीके से एक अलग पहचान उनका दिखाने का। तो आपको हमेशा ये करना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं एम्प्लॉय आपके साथ लंबे तौर पर रुके। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मैं किसी कंपनी के साथ कितना रुका, मुझे जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा मिला और सबसे ज़्यादा नाम मिला मैं वहाँ पर रुका। और यहाँ पे ये भी है कि हमें अपनी ग्रोथ को भी सोचना है कि हमारी कंपनी का विज़न कहाँ जा रहा है, क्या वो एम्प्लॉय के विज़न के साथ मैच हो रहा है। हो सकता है कि उसका विज़न कुछ और हो, सिर्फ पैसा कमाना हो, नाम कमाना हो, या फिर कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ब्लाइंडली इस इंडस्ट्री में काम करें जिनको कि अपने लाइफ का मकसद ही नहीं पता है। तीसरा फेज यहाँ पे आता है हमारे केयर का। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने एम्प्लॉय की केयर करना। आधे से ज़्यादा जो एम्प्लॉयर होते हैं, ऑनर होते हैं, वो अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी 20 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद देते हैं, और उनके पास पैसा होते हुए भी तब भी वो लेट करते हैं। वो सोचते हैं कि उनका जो पैसा है वो रोटेट करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इससे आपके एम्प्लॉयज़ के मन में सिर्फ यही भावना आती है कि इसके पास पैसा है, ये देना नहीं चाहता है, और अभी उनका समय नहीं है, लेकिन उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो आपको छोड़ के भाग जाएंगे। जी हाँ, यही कारण है कि एम्प्लॉय आपके साथ लॉयल नहीं हो पाते हैं। अगर आप लॉयल नहीं हो तो वो भी कभी लॉयल नहीं होगा। तो क्योंकि हमेशा सब चीज़ों की शुरुआत आपको अपने आप से ही करनी है। सबसे पहले अगर हम लोग केयर की बात करें, यहाँ पे हमारी बात आती है रिस्पेक्ट की। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो एक बर्तन धोने वाला हो, चाहे एक मैनेजर हो, चाहे एक शेफ हो। आपको हर किसी को इज्जत देनी है, उनके नाम से पुकारना है। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग जो कुक लोग होते थे उनको लातों से मारा जाता था, किसी के हाथ जल जाते थे, आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। पर इंडस्ट्री में अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जहाँ भी होता है मेरे ख्याल से तो कहीं होता नहीं। इवन मैंने इतनी जगह काम कर लिया है एज अ मैनेजर्स के रोल में, हम लोग कहीं भी किसी के साथ ऐसा नहीं करते, हम हर किसी को इज्जत देने की कोशिश करते हैं। तो यही बात आप लोगों को भी ध्यान रखनी है। दूसरा, उसमें आपको उनको प्रॉपर रेस्ट देना है। प्रॉपर रेस्ट से मेरा मतलब है कि आपको उनको कंफर्टेबल फील करवाना है कि आप घर पे ही हैं, आप काम कर रहे हैं पर आप घर पे ही है। जैसे कि आपको उनके, अगर आप उनको एकोमोडेशन दे रहे हैं तो उनको अच्छी बेडिंग देनी है, अच्छे अच्छे रूम्स देने हैं उनको। ये नहीं कि आप ऐसी जगह उनको रूम दे दें जहाँ पे मच्छर हैं, वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और रात भर वो सो नहीं पा रहे हैं, तो सुबह आपके पास क्या काम करेंगे। आप उनसे 15 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं और हमेशा 15 घंटे ही ड्यूटी करवा रहे हैं, पर जब भी आपको मौका मिल रहा है कि भैया काम कम है, तो प्लीज़ उन लोगों को छोड़िए, उन लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, उन लोगों को रेस्ट दीजिए। तीसरा, यहाँ पे सैलरीज की बात आती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, उनको टाइम पे सैलरीज दीजिए, इवन हो सके तो उनको बोनस दीजिए, क्योंकि ये सब इवन आप चाहे तो प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा भी कुछ परसेंटेज दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि अगर वो इतना दिल लगा के आपके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है जब हम लोग किचन में काम करते हैं तो कितनी मेहनत होती है, कितनी पावर और कितनी हिम्मत की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। और जो सबसे इसमें लास्ट है वो है हमारा एम्पावर का। एम्पावर से मतलब है कि किसी भी एम्प्लॉय को एक पावर देना कि भैया आप
आप अपनी भी ग्रोथ करो और कंपनी की भी ग्रोथ करो। यहाँ पे सबसे पहले है हमारा ग्रोथ प्लान का। चाहे अगर आप जैसे मान लीजिए ग्रोथ प्लान की अगर मैं बात करूँ, तो ग्रोथ प्लान है कि भैया मैं नेक्स्ट साल मेरी पोजीशन क्या होगी। मैं कई सारी कंपनियों में इसलिए नहीं रुका कि मुझे लगा कि मेरे लिए वहाँ पोजीशन ख़त्म हो गई है, मेरे को सारा काम आ गया है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक ग्रोथ प्लान दिखाते हो सकता है कि आपका ग्रोथ प्लान 5-star होटल की तरह ना हो, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव CVP ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरी पुरानी वीडियोस में आपको पूरी किचन की हिराकी, मैनेजर्स की हिराकी पता चल जाएगी, पर एटलीस्ट सीधा किसी एम्प्लॉय को डायरेक्ट एक हाईएस्ट पोजीशन पे मत रख लीजिए, और अगली बार नेक्स्ट ईयर आपके आपके पास उसके लिए ग्रोथ के लिए कोई प्लान ही ना बचे। तो अब आपको अपना एक ग्रोथ चार्ट है, जब भी एम्प्लॉय को हायर कीजिए कि भैया आप कॉमी 3 हो, नेक्स्ट ईयर आप कॉमी 2 कॉमी 1 बन जाओगे, उससे पहले भी बन जाओगे, पर अगर आप अपनी परफॉर्मेंस दे पाते हो तो आपको हमेशा ग्रोथ प्लान बताना ही है, हमेशा एक ग्रोथ चार्ट या ग्रोथ प्लान तैयार करना ही है। उसके बाद आप जो बात करेंगे हमें ऑनरशिप की, ऑनरशिप आपको जिम्मेवारी देनी ही पड़ेगी। आपको हर बात पे जाके टोकने की जरूरत नहीं अपने अपने एम्प्लॉय को, भैया ये डब्बा क्यों रख दिया, ये काम ऐसा होना चाहिए, वो काम ऐसा होना चाहिए। वो ऑलरेडी उसका एक्सपर्ट है, आपने उसको एक सेक्शन दे दिया, आपका तंदूर सेक्शन है, आपका सैंडविच सेक्शन है, तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कुछ वेस्टेज होती है आप रिस्पॉन्सिबल हो, कुछ सप्लाईज में प्रॉब्लम होती है आप रिस्पॉन्सिबल हो, ऑर्डर्स में कुछ प्रॉब्लम होती है आप रिस्पॉन्सिबल हो। जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तो उसको ऑनरशिप का एहसास होता है और वो ज़्यादा जिम्मेवारी से काम करता है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आप बार बार जाके उसको टोकोगे तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि मैंने खुद फील किया है। और इससे सिर्फ होता यह है कि एम्प्लॉयज़ बोलता है भैया तू ही कर ले, तेरी जिम्मेवारी है, तू मुझे सिर्फ बताता जा मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ ऑर्डर आएंगे तो लगाऊंगा, जो एक कॉमन मैंने आपको लैंग्वेज यूज़ कर दी, यही होता है। इसके बाद है आपको एम्पावर करना है, आपको उनको डिसीजन मेकिंग की पावर देनी है कि अगर आप शेफ़ हो तो आप डिसीज़न ले सकते हो कि ये डिश कैसी होगी, कितने पोर्शंस हमको बनाने चाहिए, क्या मैरिनेशंस होने चाहिए, क्या रेसिपीज़ होनी चाहिए। आपको अपने शेफ़ लोगों को, मैनेजर लोगों को ये अथॉरिटीज़ देनी चाहिए कि वो काम करें, और उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है किसी भी एम्प्लॉयज़ को रखने से पहले, उसकी ग्रोथ प्लान, ये टेक केयर, जो पूरा मैंने आपको ये चारों चीज़ें बता दी। अगर आप इस तरीके से ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो एम्प्लॉयज़ आपके साथ लंबा लंबे समय तक रुकेंगे और आपकी छोटी सी एक क्लाउड किसी को लंबे एक बड़े तौर पे ले जाने की कोशिश करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे इनसे लिख सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आप चाहे तो मुझे एक फ्री डाउट क्लासेस आपकी क्लाउड किचन के लिए बोल सकते हैं, ये पर्सनली मैं ही लेता हूँ, जिसमें कि आपके मैं सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।